हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स आप लोगों का आज सी एस आई आर नेट का एग्ज़ाम है उस एग्जाम के लिए मेरी तरफ से और राइजिंग स्टार एकेडमी की तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और आप लोग अच्छा कर पाओ ये मेरी दुआ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एक दो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको एडवाइज़ करना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा नंबर वन एग्ज़ाम सेंटर में जब आप बैठेंगे तो आप लोगों को ना कभी भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है जितना मुझे आता है मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के जानी है रिज़ल्ट के बारे में ओनली गॉड नोज जब रिज़ल्ट आएगा तब वो तो सामने आ ही जाएगा रिज़ल्ट के बारे में सोच के आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस डाउन नहीं करनी है सेकेंडली मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप स्टेटमेंट्स को रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं अरे सर ग्रुप के साथ हम अबिलियन नहीं देख पाए सीक्वेंस बाउंडेड थी ये हमने नहीं देखा तो स्टेटमेंट को हमेशा बहुत केयरफुली आप रीड करो आई विल एडवाइज ऑलवेज रीड द स्टेटमेंट्स एटलीस्ट टू टाइम्स कम से कम दो बार आप स्टेटमेंट को पढ़ो ठीक है एक चीज ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है एक और तीसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पहला आधा घंटा एक कूलिंग पीरियड का होता है जो बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक एग्जाम फेयर होता है या जो नर्वसनेस होती है वो पहले आधे घंटे में सेटल डाउन हो जाती है इसलिए फर्स्ट आधे घंटे में बच्चों को मैं एडवाइज करूंगा कि आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें जो जो जिसके साथ आप हंड्रेड श्योर नहीं है पहले आधे घंटे में आप सब्जेक्ट वाइज करें पार्ट बी से करें पार्ट सी से करें जहां से भी करें लेकिन क्वेश्चन आप वो उठाएं पहले आधे घंटे में जो कि आपको हंड्रेड परसेंट आप डैम श्योर sure हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमको आते हैं उससे क्या है ना कि आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाता है आप एग्जाम के ऊपर डोमिनेट कर जाते हो ना कि एग्जाम आपके ऊपर डोमिनेट कर जाता है ऐसा ना हो कि पहले आद, पहले आधे घंटे में आपने पहला दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन उठाया वो एट रैंडम कुछ भी उठा लिया और वो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं और वहां पर फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वो डाउन चला गया ऐसे नहीं करना है आप लोगों को ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं इनका आप लोगों को ध्यान रखना है और एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट फॉर दिस एग्जाम थैंक यू